नमस्कार मैं डिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी को दिल की बीमारियां सता रही हैं, दिल की बीमारियों में आखिर कब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें इस दरमियान किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो आप जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका भी और दर्शकों का भी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बार ये लोग सोचते हैं कि दिल की बीमारियां हुई हैं और बिना ऑपरेशन के, बिना सर्जरी के काम चल सकता है, लेकिन अगर एक दिल की मरीज़ की बात करें तो उसे कब सर्जरी कराना चाहिए? देखिए, सवाल जो है आपका बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि बड़ा मिसकंसेप्शन है। कई बार किसी को पता चलता है कि हमें हार्ट की बीमारी है, तुरंत घबरा जाते हैं कि अब क्या करना है, सर्जरी ही एक ऑप्शन है। बिल्कुल नहीं, सर्जरी हम लोग तब करते हैं जब दवाइयां फेल करने लगती है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी बीमारी है। हार्ट पे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे बहुत तरह की कुछ हमें बीमारियों को लेके चलना पड़ेगा। कुछ बच्चों में होने वाले अनुवांशिक बीमारियां हैं जो कुछ तो अपने आप नेचुरल टाइम कोर्स के साथ ठीक होती हैं, कुछ दवाइयों देने पे ठीक हो जाती हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होते हैं जिसमें कि जल्दी सर्जरी करानी पड़ती है, जैसे कि एक बीमारी होती है TGA, जिसमें बच्चे नीला जन्म लेते हैं, तो उसमें सर्जरी बहुत जल्दी कराने की ज़रूरत पड़ती है विद इन 1 month। अगर आप 3 सप्ताह के पहले सर्जरी कराते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। वैसे ही बड़ों की बात करें तो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं इसमें, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में, जिसको कि हार्ट अटैक और एंजाइनल पेन कहते हैं, एंजाइना की बीमारी में। तो अब बहुत लेटेस्ट स्टडी की हम लोग बात करें तो उसमें बड़ा क्लियर होके आया है कि अननेसेसरी सर्जरी का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। तो अगर बीमारियों को, पेशेंट को एंजाइना की बीमारी से वो ग्रसित है, उसे चलने में सीने में दर्द, भारीपन हो रहा है, तो उसका प्रॉपर एंजियोग्राफी करें, उसके बाद उसका ब्लॉकेज एस्टिमेशन करें और उसको दवाइयों से ऑप्टिमाइज करें। दवाइयां देने के बाद भी अगर उसको दर्द रहता है ऑप्टिमम डोज में, यानी कि मैक्सिमम डोज की दवाइयां देने के बाद भी अगर उसे पेन होता है, तब आप एंजियोप्लास्टी या बाईपास के लिए उसको रेकमेंड कर सकते हैं, अन्यथा उसको दवाओं पर ही रखें। लेकिन अगर किसी को हार्ट अटैक होता है, एक्यूट हार्ट अटैक हो गया, तो उस केस में दवाइयों पर भरोसा ना करें, उसमें तुरंत एंजियोप्लास्टी करानी सही रहती है जिंदगी बचाने के लिए। सर, बहुत बार लोग ये भी समझते हैं कि एक बार अगर हार्ट अटैक आया है तो किन परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है और कब जो है उन्हें कितना समय मिलता है, अगर एक बात करें कि किसी को हार्ट अटैक आया है, उन्हें कितना ज़रूरी है और कितने समय में हॉस्पिटल पहुँच जाना चाहिए, जैसे आपने ऑपरेशन का भी जिक्र किया, तो इस दरमियान के लिए? देखिए, हार्ट अटैक एक अलग मसला है। जो हार्ट अटैक होता है कि सडनली, जैसे हम बिल्कुल सही हैं, अभी अचानक हमें सीने में दर्द, उल्टी, पसीना, घबराहट, बेचैनी होने लगा, तो ऐसा होने पे 1 मिनट का भी समय ना गंवाएं। घर में कुछ दवाइयां अगर किसी के पास हो तो उसे ले लेना है, जैसे कि नाइट्रेट की गोली होती है, सॉर्बिट्रेट आइसोडिल नाम से, कॉमनली मार्केट में अवेलेबल है, उसको जवान के नीचे रख लेना है। कॉमनली हर घर में मिलने वाली दर्द की दवा एक होती है एस्पिरिन, तो वो एक टैबलेट ले लेना है और टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना है। कई बार चेस्ट पेन के बहुत सारे कारण होते हैं हार्ट अटैक के अलावे भी, लेकिन हार्ट अटैक में अगर दवाई, इसमें बड़ा अहम मसला है क्योंकि अटैक का इमरजेंसी सिचुएशन है, तो अगर 2 घंटे के अंदर हम दवा से भी ट्रीटमेंट करते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है जितना एंजियोप्लास्टी से मिलता है। और हम लोगों के समय क्या हो जाती है कि डिले हो जाता है, सबसे ज़्यादा डिले पेशेंट पार्ट में होता है, डिनायल होता है कि नहीं नहीं हमको तो गैस है, हमको तो हार्ट अटैक है नहीं, इसलिए मेडिकल असिस्टेंस लेने में शर्माने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाइए, ECG कराइए, अगर ECG नॉर्मल है तो फिर घबराने की बात नहीं है, फिर आप टाइम ले सकते हैं। तो ये एक्यूट हार्ट अटैक जानलेवा होता है, उसमें विद इन आवर 50% लोगों की डेथ हो जाती है, इसलिए उसमें टाइम वेस्ट ना करें, जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाएं। ये क्रॉनिक एंजाइना के जो पेशेंट होते हैं उसमें वो उतनी दिक्कत नहीं होती है, तो उसमें आप टाइम ले सकते हैं। सर, एक लास्ट सवाल कि अगर किसी को सर्जरी की ज़रूरत है और सर्जरी का नाम सुनते ही वो लोग डर जाते हैं और कहते भी हैं कि जल्दी हम ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो कितना जल्दी जो पेशेंट है वो सर्जरी के बाद रिकवर कर जाता है? देखिए, सर्जरी कई तरह से होती है, जैसे हम लोग एंजियोप्लास्टी जो करते हैं
वो भी एक तरह का सर्जरी है, लेकिन मिनिमल इन्वेसिव है, जस्ट यहाँ एक नीडल डालते हैं और इसके थ्रू करते हैं, तो इस पर रिकवरी बहुत फास्ट होती है, अगले दिन से पेशेंट मोबिलाइज कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है ओपन हार्ट सर्जरी, जिसमें कि वाल्व बदलने के लिए या बाईपास करने के लिए या कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बच्चों में होता है उसके लिए करते हैं, तो पूरा स्टेनोटॉमी ऊपर से नीचे सीना खोल के सर्जरी की जाती है, ये मेजर सर्जरी है। तो इसमें कंप्लीट रिकवरी में 3 महीने का समय लगता है, लेकिन पेशेंट को 1-2 सप्ताह के बाद मोबिलाइज कर दिया जाता है विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। अब इसमें भी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, जैसे वाल्व की ही सर्जरी की हम बात करें, जैसे एओर्टिक वाल्व बदलने की बात हुई, तो इसमें पहले ओपन करके होता था, अब मिनिमली इन्वेसिव पैर के रास्ते से हम लोग टावर कर देते हैं, तो वो लैब में कर देते हैं, अगले दिन से मोबिलाइज कर देते हैं। उसके बाद अब सर्जरी भी काफ़ी एडवांस हो गई है, अब मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी उसमें भी हो रहा है, जैसे कि CABG का नाम आपने सुना होगा कि बाईपास सर्जरी, वो तो कंप्लीट एक ओपन करके करते हैं, इसमें भी 2 टेक्निक होती है, ऑफ पम्प और ऑन पम्प। उसके बाद अब क्या है कि लैटरल थोरैकोटॉमी, पीछे से साइड से इंसीजन देके और सर्जरी कर लेते हैं, है ना, अब रोबोटिक सर्जरी है जो पोर्ट डाल के और सर्जरी कर लेते हैं, तो इसमें मोबिलाइजेशन जल्दी हो जाता है, इसमें उतने दिन रिकवरी में नहीं लगते हैं, तो इसमें 15 दिन से 1 महीने में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल जैसा हो जाता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने जानकारी दी है कि एक दिल के मरीज को सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका भी। तो आप डॉक्टर अशोक कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि एक दिल के मरीज को आखिर सर्जरी कब करवा लेना चाहिए। इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कॉमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।